वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी के शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। आज की क्लास कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र से पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है शब्द निर्माण। आइए नीचे दिए गए शब्दों और उनमें से बने अन्य शब्दों को पढ़िए। धर्म, योग, देश, फल, ये आपके शब्द दिए गए हैं। इनमें इन शब्दों से कुछ नए शब्द बनाए गए हैं। आपने देखा कि शब्दों के आगे पीछे अन्य शब्दांश जोड़कर या दो शब्दों के बीच प्रसंग आदि जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। इस प्रकार शब्दों की रचना मुख्यतः चार प्रकार से होती है। शब्द के आगे शब्दांश जोड़कर जैसे धर्म अधर्म, शब्दों के बीच शब्दांश जोड़कर जैसे फल फलीभूत, शब्द के बाद शब्दांश जोड़कर जैसे जीव प्लस आत्मा जीवात्मा, दो सरल शब्दों के बीच ध्वनि विकार से जैसे योग प्लस राज योगी राज। अब हम जाने उपसर्ग क्या है। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला दे उसे उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, अंग्रेजी के उपसर्ग, ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। नंबर 2 पे हिंदी के उपसर्ग दिए हैं। नंबर 3 पे अरबी फारसी के उपसर्ग। 4 पे उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। फिर लास्ट में है आपका अंग्रेजी के उपसर्ग। एक ही शब्द से 2 उपसर्ग का प्रयोग। आइए अब हम जाने प्रत्यय क्या है। सुंदरता, कठोरता, सरलता, सुगमता, राष्ट्रीयता। ऊपर लिखे सभी शब्दों में आपने देखा कि का वर्ग के सभी शब्दों में ता, खा वर्ग के सभी शब्दों में त्वा, गा वर्ग के सभी शब्दों में वान तथा घा वर्ग के सभी शब्दों में इनका प्रयोग किया गया है। जो शब्दांश किसी शब्द अथवा धातु से जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय संज्ञा शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय किसी क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा अव्यय के अंत में साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब आप अपनी बुक की एक्सरसाइज को स्वयं फिल कीजिए। नीचे दिए गए उपसर्ग जोड़कर 3-3 शब्द बनाएं। प्रण, प्र का प्रण, प्राण, प्रणाम, अपका अपका, अपमान, अपयस, अपहरण, वी का विजय, विकास, विनय। इसी तरह से नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाएं। जय, अजय, योग, सुयोग, कर्म, सुकर्म, पुत्र, सुपुत्र। आप अपनी बुक की एक्सरसाइज को स्वयं फिल कीजिए। आपके पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न बनाए गए हैं जिनके उत्तर आपको आपके महत्वपूर्ण तथ्य में मिल जाएंगे। आइए अब हम आपके प्रश्नों के उत्तर देखें। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। निम्नलिखित उपसर्गों से शब्द बनाइए। अति, आ, उप, सु, सा। आपके हॉलीडे होमवर्क में शब्द भंडार से कुछ 3 शब्द दिए गए हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समश्रुति शब्द, जिनको आप अपनी पुरानी हिंदी के व्याकरण से 1 से 20 तक विलोम शब्द, 1 से 20 तक पर्यायवाची शब्द, 1 से 20 तक समश्रुति शब्दों को आपको अपने हॉलीडे होमवर्क में करना है जो आपकी पुरानी हिंदी व्याकरण की बुक से मिल जाएगा। आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको